आईसीसी ने सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी लगा दी है, जबकि जराए के मुताबिक सरफराज अहमद ने जनूबी अफ्रीकी सयाफाम खिलाड़ी को तनकीद का निशाना बनाया था। चौथे वनडे मैच में सरफराज अहमद की जगह शुएब मलिक अब कप्तानी कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पहले जराए के मुताबिक बताया जा रहा था कि सरफराज अहमद पर आईसीसी ने 4 मैचों की पाबंदी लगा दी, जबकि अब आईसीसी ने इस बात की तस्दीक भी कर दी और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो पाबंदी से मुतालिक जो है वो आगाह भी कर दिया है। सरफराज अहमद ने दूसरे वनडे के दौरान जनूबी अफ्रीकन ऑलराउंडर पुलवाकियों पर जो है वो नस्ल प्रस्ताना जुमले जो है वो कसे थे, जिसके बाद जो है वो इंजमामुल हक और जो साथ हाशिम मामला ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया और दोनों खिलाड़ी कि आपस में सुलह भी करवाई और जबकि फुलवाकिया ने उन्हें माफ भी कर दिया था, लेकिन आईसीसी एंटी रेसिज्म कोड के खिलाफ वर्जी करने पर सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी लगा दी है, जबकि जिसमें से 2 वनडे मैच हैं और 2 टी20 मैच हैं। वनडे मैच में अब अगला जो होगा जो होने जा रहा है उसमें शुएब मलिक जो है वो सरफराज अहमद की पाबंदी लगाई गई है सरफराज अहमद पर। बिलाल अकील, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।